मार्बल केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद अंडे लिए, ब्लेंडिंग जार ले लिया। सबसे पहले हम अंडे इसमें डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को हमने पीसा नहीं है, हम वैसे ही ले रहे हैं। ये देखिए 1 कप और 1/2 कप भर के चीनी का हम इसमें डाल देंगे। 1 और 1/2 कप मैंने चीनी डाल दी है और साथ ही में वनीला एसेंस हम डाल देंगे 1/2 चाय का चम्मच। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मिनटों में ये केक बन जाता है और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। 1 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं ताकि इसमें जो चीनी के दाने हैं वो अच्छी तरह से हल हो जाए, इतना हमें इसको ग्राइंड करना है। तो देखिए 1 मिनट हो गया था, हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप और 1/2 कप यानी कि 2.5 कप मैंने मैदा लिया है और साथ ही में हम यहाँ पर 1 कप दूध डालेंगे। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच और 3 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर के डालेंगे। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग होता है। बेकिंग सोडा मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाला है और बेकिंग पाउडर मैंने इसमें 3 टीस्पून डाला है। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसको हम एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे और जो अंडे मैंने लिए थे इसमें वो रूम टेम्परेचर के थे। आप जब भी कोई बेकिंग का काम करें तो आप रूम टेम्परेचर की नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल करें। तो ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें। तो इसमें से हम 1/2 बैटर अलग से एक बॉल में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसमें चॉकलेट मिलानी है, चॉकलेट पाउडर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कोको पाउडर लिया है 1/3 कप और साथ ही में मैं इसके लिए 1/3 कप दूध ले गई हूँ। जितना मैंने कोको पाउडर लिया उतना ही मैंने इसमें मिल्क ले लिया है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट ही डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। आप इसको थोड़े से दूध में मिक्स करके डालें तो इससे ये होगा कि ये आसानी से हल हो जाता है। ये देखिए अब मैं इसको इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छा और मज़ेदार केक बनता है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप जब भी कोई बेकिंग का काम करें तो बेकिंग का जो मोल्ड होता है उसको आप पहले से ही ग्रीस करके रख लें। मैंने इसमें कोई बटर पेपर नहीं लगाया, मैंने इसको ऑयल से ग्रीस किया, मैदा 1 चम्मच मैंने इसमें डाला और चारों तरफ इस तरीके से इसको डस्ट कर लिया, कोट कर दिया और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम इसमें से निकाल देंगे। और साथ ही में हमने बेकिंग के लिए पतीला प्री हीट होने के लिए पहले से ही रख दिया है। तो मैं इसको आज ओवन में नहीं बना रही हूँ, आज हम इसको पतीले में ही बनाएंगे ताकि आप सब लोग इजीली इसको अपने घरों पर बना सकें। ये देखिए 1 बाय 1 करके इस तरीके से हमने ये बैटर डालना है। पहले हमने चॉकलेट वाला डाला है, फिर हमने सादा डाला है, फिर हमने चॉकलेट का डाला है 1 चम्मच और ये सेंटर से ही आपने डालना है और इस तरीके से आप डालते जाएंगे तो ये खुद ही फैलता जाएगा। आपने बस कुछ नहीं करना है, 1 बाय 1 करके आपने इस तरीके से इस बैटर को डालते चले जाना है। ये देखिए बहुत ही आसान सा इसका मेथड है और दिखने में ये बहुत ही शानदार केक बनता है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ना आपको इसमें बटर पेपर की ज़रूरत है और ना ही किसी बीटर की। जूसर मशीन में हमने इसको 1 मिनट में बना लिया और बस इसमें मैदा मिक्स किया, चीज़ें डाली और ये तैयार हो गया। इतना आसान सा इसका तरीका है बनाने का। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब स्टिक से एक तरफ हम इस तरफ से लेके जाएंगे, फिर दूसरी साइड हम दूसरी साइड से लाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इस पर डिज़ाइनिंग कर ली है और यहाँ पर हमने अपना पतीला प्री हीट होने के लिए पहले से ही रख दिया था 5 मिनट के लिए। तो हमने ये रख दिया है इसमें केक और इसे कवर कर देंगे। ऊपर से इस पर हम तौलिया रख देंगे, कोई भी आप मोटा सा कपड़ा रख दें। और 35 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पर बेक होने देते हैं। इसको हम 35 मिनट्स के बाद चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 35 मिनट्स हो गए हैं, अब हम खोल लेते हैं। ये देखिए केक हमारा शक्ल से पता चल रहा है कि बेक हो चुका है क्योंकि इसकी साइडें ब्राउन हो गई हैं। तो मैंने ही देखिए इसमें डाल के भी चेक किया, सेंटर से हमेशा केक को चेक किया कीजिए क्योंकि साइडें पक जाती हैं, सेंटर से कच्चा रह जाता है। तो ये सेंटर से बिल्कुल सही बेक हुआ है और ये देखिए कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो गया है। आपको स्टीम निकलती हुई नज़र आ गई होगी। अभी ये केक हमारा काफ़ी गर्म है
और ये कितनी आसानी से निकल के आ गया है, कितना स्पॉन्जी बना है ये देखें। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त केक हमारा तैयार हुआ है और बहुत ही नरम भी है और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी भी है। तो चलिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ इस केक को। ये देखिए, आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ ये लुक वाइज कितना खूबसूरत बना है ये केक। ये देखिए, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा ये केक बनकर तैयार हुआ है और कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। इसको हमने जूसर मशीन में बनाया, बहुत आसानी के साथ ये बन गया। स्टीम आप देखें इसमें से निकलती हुई, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। बहुत ही शानदार मज़ेदार सा केक तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।